दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार पठान मूवी पहले दिन कितने करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। ये डे वन का प्रेडिक्शन होने वाला है कि आखिरकार डे वन पर कितने करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है और आखिरकार फिलहाल कितना कलेक्शन कर लिया है। इन सारी चीज़ों को इन डिटेल कवर करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले आपको जानकारी के बता दें कि पठान मूवी को एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 8,000 के अप्रॉक्सीमेट स्क्रीन काउंट मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर जो रिस्पांस है वो मैग्नम ओपस पर देखने को मिल रहा है। पब्लिक की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज और रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर जो कलेक्शन रिपोर्ट है जहां वो काफ़ी ट्रिमेंडस और फेनोमिनस लेवल का देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस फिल्म को लेकर बताया जा रहा था कि रिलीज से पहले ही एटलीस्ट 11 से 12 लाख टिकट सोल्ड आउट कर चुकी थी। ओवरऑल देखा जाए तो रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 35 करोड़ रुपए भी कमा लिए थे। इन सभी आंकड़ों को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट ने प्रेडिक्शन किया है कि अगर ओपनिंग भी लेगी सिर्फ हिंदी बेल्ट में इंडिया में तो कम से कम 55 से 60 करोड़ प्लस की ही लेगी, उससे नीचे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवरऑल देखा जाए तो जहां पर ये फिल्म ओपनिंग डे पर सिर्फ हिंदी बेल्ट में इंडिया में 55 से 60 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है जो कि इंडिया की नेट कलेक्शन होगी, वहीं पर इसके अलावा और भी लैंग्वेज हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु लैंग्वेज हो, वहां से भी कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग आ ही सकती है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये जो कलेक्शन होगा कहीं कहीं ऑल ओवर इंडिया में जो कि नेट कलेक्शन होगा वो 65 से 67 करोड़ तक जा सकता है। अगर बात करें तो ओवरसीज में भी यहाँ तकरीबन इस फिल्म का जो कलेक्शन आ सकता है वो 30 करोड़ प्लस की ही आएगी, क्योंकि पठान ने फिलहाल ओपनिंग 2500 स्क्रीन के साथ ओवरसीज कंट्रीज में ओपनिंग ले लिया है। और देखा जाए तो इस लेवल पर जो रिस्पांस देखने को मिला है, जो एडवांस बुकिंग है ओवरसीज कंट्रीज के, उसके मुताबिक तकरीबन 25 से 30 करोड़ की ही ओपनिंग लेगी। तो ऐसे में टोटल जो कलेक्शन आ सकता है ऑन एन एवरेज वो तकरीबन इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा, ओवरसीज का जो नेट कलेक्शन होगा टोटल वो 90 करोड़ तक जा सकता है, 90 से 92 करोड़ के आंकड़े तक जा सकता है। वेल देखा जाए तो इस तरह के रिस्पांस देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ टोटली अगर ग्रॉस कलेक्शंस की बात करें तो 100 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर जाएगी, इतना तय है ओपनिंग डे पर ही, इस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रही है। वेल दोस्तों फिलहाल ये डे वन का प्रेडिक्शन है, हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अचानक से फिल्म को लेकर जितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि भाई ये फिल्म ओपनिंग पर फाड़ने वाली है और इतना तय है कि ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को पार करना इस फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वेल दोस्तों आपके इस पर क्या विचार हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी खास।